आज हम आए हैं पंजाबी स्वाद में और यहाँ का फूड इतना टेस्टी होता है कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे खाने। मैं आपको पहले इंटीरियर दिखाता हूँ। इस साइड में सीटिंग अरेंजमेंट है, इसके बाद इस साइड में है फैमिली के लिए केबिन, एक कपल्स और फैमिली के लिए पूरा सेपरेट केबिन है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप कर्टन हटाओगे यहाँ से तो पूरा रोड का व्यू आएगा, तो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो ये देखिए, अब हमारा स्टार्टर आ गया है। सबसे पहले ये है सोया चाप चिली, रांची में बहुत कम जगह पे मिलता है। इसके बाद है ये देखिए एकदम टेस्टी सा चिकन लॉलीपॉप, ये है चिकन बोटी कबाब, और इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, है ना खुशबू। मैं भी यही बोलने वाली थी कि खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना कि मुझसे वेट नहीं हो रहा है। अब हमारा मेन कोर्स भी आ चुका है और सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ का हैदराबादी दम बिरयानी टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यम्मी दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से इसको सर्व किया गया है। स्पेशली ये जो छोटे छोटे कटोरी दिए हुए हैं ना, अल्टीमेट है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। पंजाबी चिकन जिसको टेस्ट करने के लिए मैं कब से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप फटाफट से टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं टेस्ट वाइज ये कैसा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं पंजाबी स्वाद में, जो कि लोकेटेड है नामकुम में, सदाबहार चौक के पास, और यहाँ का फूड इतना टेस्टी होता है कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे खाने, और ऑनलाइन ऑर्डर्स के तो यहाँ पे कतार लगे रहते हैं, बहुत लंबी लाइन रहती है, तो क्या ही कहना है। चलिए मैं आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ। पीटर इंग्लैंड है इसके जस्ट अपोजिट में, और ये देखिए सदाबहार चौक का जो हनुमान मंदिर है वो यहाँ से दिख रहा है सामने में, और बस पीटर इंग्लैंड के जस्ट सामने में है पंजाबी स्वाद। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं पंजाबी स्वाद रेस्टोरेंट में, फन एंड फूड, बहुत ही प्यारा सा ये रेस्टोरेंट है। देखिए यहाँ पे भी एक न्यून लाइट से लिखा हुआ है पंजाबी स्वाद, और चलिए अब इंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए पंजाबी स्वाद रेस्टोरेंट का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, और इसके साथ ही यहाँ पे ये मैनेजर सर हैं यहाँ के। हेलो सर। हेलो सर, आपका गुड नेम? धनंजय कुमार सिंह। सर यहाँ के मैनेजर हैं, और ये है इनका इंटीरियर लुक। मैं आपको पहले इंटीरियर दिखाता हूँ, लास्ट में मिलेंगे सर से, और जो भी इंफॉर्मेशन जैसे कि हम लोग हर वीडियो में लेते हैं तो यहाँ पे भी लेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, ये किचन एरिया है इनका, इस साइड में किचन एरिया है, बहुत ही प्यारा सा, और ये देखिए इस साइड में सीटिंग अरेंजमेंट है, और यहाँ पे खुशबू बैठी हुई है, और हम लोग जानबूझ के खाली टाइम में आए हैं ताकि आराम से आप सभी के लिए वीडियो बना सके। इसके बाद इस साइड में है फैमिली के लिए केबिन, एक कपल्स और फैमिली के लिए पूरा सेपरेट केबिन है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से आपको पूरा रोड का, जब ये आप कर्टन हटाओगे यहाँ से तो पूरा रोड का व्यू आएगा, तो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। अगर आप यहाँ पे भी बैठ के अपने फूड को एंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम लोग बैठ गए हैं अपने सीट पे, तो अब हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ का भी कि कैसा है यहाँ का फूड और उसका टेस्ट। तो हमने स्टार्टर ऑर्डर कर दिया है, तो फर्स्ट तो हमारा है चिकन बोटी कबाब, और उसके बाद है चिकन लॉलीपॉप, और लास्टली यहाँ पे एक स्पेशल डिश है जो कि खुशबू का फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है, और नॉर्मली आपको नामकुम में कहीं नहीं मिलने वाला है, इस एरिया में नहीं मिलेगा मैं पक्का कह सकता हूँ। और उस डिश का नाम है, उस स्टार्टर का नाम है सोया चाप चिली। तो अब हमारे स्टार्टर्स आ रहे हैं और फिर टेस्ट करते हैं हम, और आपको बताते हैं कि कैसा है यहाँ का टेस्ट, है ना खुशबू। तो ये देखिए, अब हमारा स्टार्टर आ गया है, और मैं आपको इनका एक एक करके नाम बता देता हूँ। बहुत ही बढ़िया सर्विस है यहाँ की, हमने ऑर्डर किया और तुरंत ये आ गया। और ये देखिए सबसे पहले ये है सोया चाप चिली, जो कि रांची में बहुत कम जगह पे मिलता है। एक लास्ट हमने हस्ती टेस्टी का वीडियो किया था, वहाँ पे हमने सोया चाप खाया था, वो भी होटल भी पंजाबी था, और ये होटल भी पंजाबी है, तो सोया चाप यहाँ पर मिला है हमें। और इसके बाद है ये देखिए एकदम टेस्टी सा चिकन लॉलीपॉप, बहुत ही बढ़िया लुक है इसका, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद ये देखिए, ये है चिकन बोटी कबाब, और इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, है ना खुशबू। मैं भी यही बोलने वाली थी कि जो खुशबू आ रही है ना, क्या बताया जाए, कि मतलब देख के ही पता चल रहा है कि हाँ खाने का जो टेस्ट होगा ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, मज़ा आने वाला है खाने में, तो खा के देखते हैं। सही बात है।
और ये तंदूरी आइटम है, तो तंदूरी आइटम का एक अलग ही अरोमा रहता है, बहुत ही बढ़िया। हमारे सारे स्टार्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो चलिए अब एक एक करके टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है इनका टेस्ट। सबसे पहले मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ चिकन लॉलीपॉप, बहुत ही बढ़िया है। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया और देखने में ही बहुत ज़्यादा जूसी लग रहा है ये, और जो इसका गार्निशिंग है ना बहुत अच्छे से किया गया है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब इसको टेस्ट करता हूँ और बिना चटनी के मैं टेस्ट करूँगा इसको, कि चिकन लॉलीपॉप का टेस्ट कैसा है आप सभी को बताता हूँ टेस्ट करके। वाह, वाओ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि देखने में ही जूसी है, तो बहुत ही ज़्यादा सच में ये जूसी है, अंदर तक इसके पूरा एकदम गया है जो इसमें मैरिनेशन है, जो इसमें एक टच दिया गया है, स्पाइसी टच दिया गया है, तो थोड़ा सा स्पाइसी भी है, बहुत ही बढ़िया अलग कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया खा के। मैं एक बार चटनी के साथ इसको टेस्ट करता हूँ, चटनी के साथ ये कैसा लग रहा है। इसके साथ धनिया पुदीने का चटनी मिला है, ये देखिए। तो अब इसमें एक बार डिप करता हूँ मैं, ये देखिए मैंने डिप कर लिया है, अब इसको टेस्ट करता हूँ। धनिया पुदीने का चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली मुझे चटनी के साथ कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, लेकिन यहाँ का जो चटनी है ना बहुत ही बढ़िया है, अल्टीमेट मज़ा आ गया चिकन लॉलीपॉप खा के। टेस्ट करते हैं यहाँ का दूसरा स्टार्टर जो कि है चिकन बोटी कबाब। तो ये देखिए, ये है चिकन बोटी कबाब और ये तंदूर आइटम है, तो बहुत ही बढ़िया से इसको, पहले तो गार्निशिंग कितना प्यारा किया गया है, बीच में सैलेड है और सेम चटनी यहाँ पर भी है धनिया और पुदीने की, जो चटनी मुझे बहुत पसंद आया। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, एक बार मैं आपको पीसेस दिखाता हूँ, काफ़ी बड़े पीसेस हैं और कितने अच्छे से इसको तंदूर किया गया है, बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट। तो चलिए बिना देर के इसको टेस्ट करता हूँ और आप सभी को बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। चिकन लॉलीपॉप तो अल्टीमेट है और इसका जो खुशबू है ना, मैं क्या ही कहूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना बढ़िया इसका खुशबू है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं फटाफट। वाओ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, स्पाइसी है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है, तो जिनको स्पाइसी खाने की आदत है और वैसे भी तंदूर आइटम अगर स्पाइसी नहीं रहना तो मज़ा नहीं है, ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो लोग थोड़ा स्पाइसी कुछ ढूंढ रहे हैं। तो आप पंजाबी स्वाद रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए और यहाँ का चिकन बोटी कबाब ज़रूर ट्राई कीजिए, अल्टीमेट टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया, मैरिनेशन जो है बहुत अच्छी है, हल्का सा जो जिंजर गार्लिक का टेस्ट आ रहा है ना मुँह में, बहुत ही प्यारा एक अरोमा छोड़ रहा है, मज़ा आ गया। तो चलिए अब इसके बाद सोया चाप चिली खुशबू ट्राई करेगी और वो बताएगी आप सभी को कि यहाँ का सोया चाप चिली कैसा है। मुझे तो ये दोनों आइटम चिकन लॉलीपॉप और चिकन बोटी कबाब बहुत ही सुपर हिट लगा, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन इतना बढ़िया टेस्ट कहीं कहीं मिल पाता है, तो बहुत ही अल्टीमेट लगा। तो चलिए अब खुशबू बताएगी आप सभी को कि उसको कैसा लग रहा है यहाँ का टेस्ट। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना कि मुझसे वेट नहीं हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि कब इनका ख़त्म हो और कब मैं स्टार्ट हूँ तो मैं सोया चाप ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे सोया चाप बहुत ज़्यादा पसंद है। दिल्ली में तो नॉर्मली हर जगह मिलेगा बट यहाँ रांची में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ढूंढना, तो मैं ये ट्राई करती हूँ क्योंकि बहुत रेयर मिलता है यार यहाँ पे। छोटा सा पीस लेती हूँ। वाओ, इतना जूसी दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये इतना सॉफ्ट है ना ये कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सोया चाप ही है। ये थोड़ा सा घर में जो बनता है वो थोड़ा सा टाइट होता है, तो उसको फ्राई करके बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये पता नहीं किस तरीके से बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी
और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो टेस्ट है ना, इससे पता चल गया सभी खाने का स्वाद जो होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, A1 होगा। मज़ा आ गया खाके, बहुत बढ़िया लगा। इन्होंने चिकन बोटी कबाब का बहुत ही ज़्यादा तारीफ किया, बोला कि एक बार ट्राई करो। तो चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। और ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना, एकदम टूट जा रहा है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इजीली टूट गया। अब इसका टेस्ट देखना बाकी है। यम्मी, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये भी मतलब मुझे ना एक अलग ही टेस्ट आ रहा है सच में। कहीं कहीं ये टेस्ट मिलता है कि टेस्ट के साथ साथ आपको ना जो चीज़ है वो फ्रेश महसूस होता है कि बिल्कुल फ्रेश है। सच में बहुत बढ़िया लगा, इतना सॉफ्ट खाना, मज़ा आ गया खा के, बहुत बढ़िया लगा। चलिए फटाफट से इसको फिनिश करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो स्टार्टर हमने कंप्लीट कर लिया और सच कहूँ स्टार्टर इतना बढ़िया लगा ना, है ना देखो, बहुत ज़्यादा बढ़िया। स्टार्टर खा के ही ना मतलब मज़ा आ गया। नामकुम में इतना बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि स्टार्टर खा के ना सच में उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है कितना मज़ा आया, कितना बढ़िया टेस्ट था, बहुत ही अल्टीमेट। तो चलिए, अब हमने अपना स्टार्टर तो कम्प्लीट कर ही लिया, अब हम लोग मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं। अब हमने डिसाइड भी कर लिया है कि हम लोग क्या क्या मंगाने वाले हैं आज के मेन कोर्स में। तो हमने क्या क्या ऑर्डर किया है वो आपको खुशबू बताएगी, है ना खुशबू? जैसा कि पंजाबी होटल है ये, तो यहाँ पर सर ने बोला कि जो पंजाबी चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो हमने वो ऑर्डर किया है। और साथ में है मटन कढ़ाई, और उसके साथ में है हैदराबादी बिरयानी। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब सभी बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, तो बताना मुश्किल है। और स्टार्टर ट्राई करके तो मतलब मज़ा आ गया, सही बात है। और मैं एक मिनट के लिए खुशबू को रोकूंगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे आप सभी को बताना है कि हैदराबादी चिकन दम बिरयानी जो है ना वो रेयर है अच्छी स्वाद वाला मिलना। नॉर्मली आपको मिल तो जाएगा लेकिन स्वाद नहीं रहता है वैसा। और चिकन पंजाबी, चूँकि हम लोग पंजाबी रेस्टोरेंट में आए हैं तो हमने सोचा कि कुछ पंजाबी भी ट्राई करते हैं, तो चिकन पंजाबी हमने लिया है इसीलिए। और उसके साथ हम यहाँ का मटन भी ट्राई करने जा रहे हैं, मटन कढ़ाई। तो हमने ये सारे आइटम्स को ऑर्डर किया है, साथ में बटर रोटी भी है। हमारा ऑर्डर आता है, फिर उसको आपको दिखाते हैं। हमने सीट चेंज कर दिया है, हमने वहाँ पर स्टार्टर ट्राई किया था और यहाँ पर हम करेंगे मेन कोर्स। और ये कैबिन एरिया है जहाँ पर हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खाना या कुछ भी मतलब स्टार्टर वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं। और ये फुल्ली एसी रूम है, तो यहाँ पर गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो। तो हमने सोचा यहाँ भी ट्राई करते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कितना कंफर्ट जोन है खाने में। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सब जगह बहुत अच्छा है, कहीं भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो स्वाद होना चाहिए, और स्वाद है यहाँ पे, नो डाउट, बहुत बढ़िया है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मेन कोर्स ट्राई करेंगे। ये देखिए, अब हमारा मेन कोर्स भी आ चुका है और सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर धड़ाधड़ ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, लेकिन फिर भी सर्विस इतना फास्ट है ये देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए अब एक एक करके आपको सभी चीज़ों के नाम बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, और ये देखिए, ये है हैदराबादी दम बिरयानी, जो कि बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है जिसमें से, बहुत ही बढ़िया। और ये है चिकन पंजाबी, जो कि देख के बहुत ही यम्मी दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट है। और ये है मटन कढ़ाई, वाह बहुत ही डिलीशियस है। साथ में है बटर रोटी, ये देखिए लुकिंग वाइज तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए अब बिना देर के इसको टेस्ट करते हैं, है ना खुशबू? तो अब हमारा मेन कोर्स भी आ गया है, जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया और बताया। अब हम लोग टेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ का हैदराबादी दम बिरयानी टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यम्मी दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से इसको सर्व किया गया है। स्पेशली ये जो छोटे छोटे कटोरी दिए हुए हैं ना, अल्टीमेट है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना खुशबू? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये टेस्ट वाइज कैसा है। लुकिंग वाइज तो बहुत ही यम्मी लग रहा है,
और मेनली इसका जो खुशबू है ना, इसके चावल का जो बिरयानी का जो खुशबू है ना, अल्टीमेट है, बहुत ही बढ़िया। और अभी जितने भी स्टार्टर्स हमने टेस्ट किए उसके बाद तो सच में मत पूछिए कि कितना ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट था, तो इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं फटाफट से और आपको बताते हैं कि टेस्ट वाइज कैसा है ये। बहुत ही बढ़िया, एक अल्टीमेट सा टेस्ट है, मुंह में जाते ही ना अलग सा अरोमा छोड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया खा के। जितना हमें एक्सपेक्टेशन था यहाँ के हैदराबादी दम बिरयानी से बिल्कुल वैसा ही है। और चिकन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाली थी कि इतना वेल कुक्ड है ना कि मैं क्या बताऊँ, मुँह में जाते ही घुल जा रहा है, वो वाला सीन है। चिकन घुल जा रहा है मुँह में जाते ही, तो क्या टेस्ट होगा और क्या क्वालिटी होगी। सही बात है, बहुत बढ़िया। इसके जो मसाले हैं ना, क्या ही कहना है, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। एक बार तो आना बनता है यहाँ पे, क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा मिला ना हमें, वो भी इतने पास है ना। बिल्कुल, हमारे घर के पास में है, और दूर होता तो भी इतना बढ़िया टेस्ट मिलता तो हम लोग जरूर पहुँचते हैं। बिल्कुल। इसके साथ दो चीज़ें हमें मिली, एक तो रायता है, दूसरा क्या है वो टेस्ट करके आपको बताना होगा। पहले रायता टेस्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रायता है। अब ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। वाह, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इसमें बड़ा सा मिर्च है, ये देखिए, काफ़ी बड़ा सा मिर्च है ये, और ये ग्रेवी टाइप का बना हुआ है। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि ये क्या है। ये मस्टर्ड, टोमेटो और चिली, ये सबको मिला के एक अलग सा चटनी बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही अलग है। ये क्या है, इसका नाम तो मैं नहीं जानता, लास्ट में मैं पूछूंगा यहाँ के जो सैफ सर हैं उनसे मिलके। अभी फ़िलहाल नहीं जानता हूँ इसका नाम क्या है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया है तो, बिरयानी के साथ में हमने फर्स्ट टाइम ये देखा, ये जो मस्टर्ड, टोमेटो और चिली का ये जो है, इसमें कड़ी पत्ता भी दिख रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। खैर, नाम पर क्या जाना है, टेस्ट बहुत अच्छा है, अल्टीमेट। अब चलिए फटाफट से इस बिरयानी को कंप्लीट करते हैं और फिर अगले डिश की तरफ चलेंगे। मटन कढ़ाई है, चिकन पंजाबी है, वो भी टेस्ट करना है, तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हमने हैदराबादी चिकन दम बिरयानी कंप्लीट कर लिया और बहुत ही बढ़िया टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया खा के। अब फटाफट से बाकी के डिशेज जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं और बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। अब हमने अपना प्लेट रेडी कर लिया है, अब फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है यहाँ के मटन कढ़ाही का टेस्ट और पंजाबी चिकन, जिसको टेस्ट करने के लिए मैं कब से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब फटाफट से टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट वाइज ये कैसा है। लुकिंग वाइज तो मत ही पूछिए, बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ चिकन पंजाबी और मैं मटन कढ़ाही। हाँ, तो चिकन पंजाबी टेस्ट कर रहा हूँ मैं और खुशबू कर रही है मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई टेस्ट कर रही है खुशबू। तो चलिए टेस्ट करते हैं। वाव, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बिल्कुल अलग है। नॉर्मली क्या होता है कि चिकन के सारे आइटम आपको एक जैसे लगते हैं, अप्रॉक्सीमेट एक जैसे लगते हैं, लेकिन चिकन पंजाबी बहुत अलग है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि ये कितना बढ़िया और कितना डिफरेंट है। इसका जो टेस्ट है ना, हल्का सा स्पाइसी और जो खट्टापन है ना, उसका कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है इस चिकन में टमाटो यूज़ हुआ है, इसीलिए ये इतना अलग सा टेस्ट है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने नहीं टेस्ट किया है कभी चिकन पंजाबी, तो इसको ज़रूर टेस्ट कीजिए। मैंने नहीं किया और मैं टेस्ट करने वाली हूँ, उनके लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंट होगा। सच में बहुत अलग है, तुम भी टेस्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। और तुम्हारा मटन कैसा लगा वो बताओ हमारे व्यूअर्स को। बहुत बढ़िया, मतलब ना होता है ना कि जो जैसा टेस्ट हमको चाहिए वैसा टेस्ट है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया।
तो अब मटन मैं टेस्ट करता हूँ और खुशबू चिकन पंजाबी को टेस्ट करेगी। मटन कढ़ाई, ये देखिए एक बढ़िया सा बाइट बनाता हूँ, थोड़ा सा मटन और थोड़ा सा ग्रेवी का। तो रेडी है मेरा बाइट। सच में बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब हर जगह से अलग है। मज़ा आ गया लेकिन बहुत बढ़िया लगा। और मटन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। पहली बार मैं कह रहा हूँ कि अगर घर में बहुत बढ़िया मटन बने तो ऐसा ही टेस्ट होता है। जो मसाले हैं, जो इसमें जो कुछ भी यूज़ किया गया है, बिल्कुल घर जैसा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मसाला भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा लगे, अल्टीमेट है, बहुत ही बढ़िया। मतलब कह सकते हैं हेल्दी, मतलब कम तेल कम घी में इसको बनाया गया है और टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट, हेल्दी है एकदम, मज़ा आ गया खा के। तो चलिए, खुशबू ने भी दोनों डिशेज टेस्ट कर लिया और मैंने भी टेस्ट कर लिया, आप फटाफट से इसको कम्प्लीट करते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया है, कह नहीं सकते, बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट है। तो फटाफट से इसको कम्प्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने खाना कंप्लीट कर लिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। खुशबू तुम बताओ, तुमको कैसा लगा? मुझे तो सब कुछ इतना अच्छा लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस आप आइए और खा के ट्राई करिए और फिर हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। सही बात है, एक बार आइए और आपको जैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इतना वीडियो हम लोग करते हैं, यहाँ जैसा टेस्ट बहुत कम मिलता है देखने को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और चलिए अब यहाँ के ऑनर सर से मिलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेके बताते हैं। चलिए, तो अब हमारे साथ हैं यहाँ के ऑनर सर। हेलो सर। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स का आप अपना नाम बताइए। हरजोत सिंह। तो हरजोत सर हैं हमारे साथ, इनके और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल हैं रांची में, वो मैं एक एक करके वीडियोज़ लाऊँगा तो आपको पता चलेगा। फ़िलहाल इसके बारे में बात कर लेते हैं हम और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। हरजोत सर, कब से है ये रेस्टोरेंट यहाँ पर? दो साल। तो 2 साल से है और हमारे घर के बिल्कुल पास में है और इतना बढ़िया खाना बनता है और ये चीज़ हमसे मिस हो गया, तो मतलब क्या कहूँ सर, बहुत बड़ा चीज़ मिस हुआ आज तक। तो आप लोग मिस मत कीजिए, ज़रूर आइए और यहाँ का खाना टेस्ट कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है और जो कैबिन वगैरह है वो सब भी चीज़ें यहाँ पर है, तो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप सभी। और हरजोत सर, क्या टाइमिंग है ओपन होने का और क्लोज होने का? तो मॉर्निंग के 9 o'clock को ये ओपन हो जाता है, सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है और रात के 10:30 तक आप कभी भी आइए इस बीच में और यहाँ के टेस्टी फूड को एंजॉय कीजिए। और हरजोत सर, कोई वीकली ऑफ भी रहता है क्या? नहीं, तो कोई वीकली ऑफ नहीं है, आप कभी भी आइए और टेस्ट कीजिए यहाँ का टेस्टी और हेल्दी फूड। क्योंकि मटन मुझे बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल ऑयली नहीं था, कोई भी हार्ड मसाला उसमें नहीं था, तो ऐसा मटन ना बहुत रेयर है। क्योंकि बहुत जगह पे आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा मसाला होता है, तो फिर जो मटन का अपना टेस्ट होता है ना, वो गुम हो जाता है कहीं यहाँ पे खा के। तो और एक बात है सर, साहब सर को मेरे तरफ से थैंक यू बोलिएगा एकदम, क्योंकि बहुत बढ़िया टेस्ट था, मुझे और खुशबू दोनों को बहुत बढ़िया लगा। और हरजोत सर, क्या मतलब कोई वीकली ऑफ भी है यहाँ पे? नहीं, तो वीक में 7 days ओपन है, आप कभी भी आइए, फिर से वही बात है और यहाँ के टेस्टी फूड को एंजॉय कीजिए। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल खुशबू प्रिंस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।